इंदौर की विजयनगर पुलिस ने ऐसे शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है जो कि इंदौर, खरगोन, धार व अन्य जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से लाखों रुपए के सोने, चांदी के जेवरात जब्त कर लिए हैं। दरअसल इंदौर की विजयनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में दो बदमाश किसी चोरी की घटना को अंजाम देने की नीयत से घूम रहे हैं। सूचना के बाद विजयनगर थाना प्रभारी द्वारा एक टीम गठित कर घेराबंदी कर दो आरोपियों को पकड़ा तो आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए की कीमत के सोने, चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की तो एक आरोपी खजराना व दूसरा आरोपी खरगोन का होना पाया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में इंदौर में 5 जगह और खरगोन, धार व अन्य जिलों में चोरी करना कबूल किया है। फिलहाल पुलिस को उम्मीद है कि पकड़े गए आरोपियों से और भी कई चोरी की घटना का खुलासा हो सकता है, जिसको लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना विजयनगर में 2 चोरों को पकड़ा गया है जिनके द्वारा लगभग 2 लाख रुपए का सोना चांदी का माल बरामद किया गया है। उनसे पूछताछ में पता चला है कि उनके द्वारा खरगोन, धार और अन्य जिलों में लगभग 1 दर्जन से अधिक चोरियाँ की है। वहाँ के संबंधित पुलिस को खबर किया गया है। पुलिस आकर PR वगैरह पर लेकर अगले की जाँच कर रही है। इंदौर में भी इनके द्वारा 4-5 वारदातें की गई थी। उनके घरों में और अन्य घरों में रेकी कर चोरी करते थे। उनकी इसी आधार पर यह थाना विजयनगर में उनको गिरफ्तार। सर, कहाँ के रहने वाले आरोपी का नाम क्या है? इसमें जो दीपक है और एक अन्य है, एक आरोपी तो यहीं पर खजराना का रहने वाला है और एक आरोपी इसमें खरगोन का है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।